नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की, और मॉडर्न हिस्ट्री में लगातार मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ लिया है, तो असहयोग आंदोलन को आप देखें अच्छे तरीके से और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे साथ, ठीक है। तो चर्चा करते हैं असहयोग आंदोलन की। देखो, इससे पहले मैंने खिलाफत आंदोलन पढ़ा दिया है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, उसके पीछे पृष्ठभूमि थी टर्की का विभाजन कर दिया था, और हमारे यहाँ के जो मुस्लिम नेता थे या मुस्लिम लोग थे या मुस्लिम जनमानस यानी कि जनता थी मुस्लिम, उनका धार्मिक गुरु टर्की का खलीफा हुआ करता था। तो टर्की का दो हिस्सों में विभाजन कर दिया, किसने, इंग्लैंड ने, यानी कि अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया। इस वजह से, इस आक्रोश में, इसी रोष में हमारे यहाँ के मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसी के चलते आगे ये आंदोलन बढ़ता है, कौन सा आंदोलन बढ़ता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी खिलाफत कमेटी के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और शौकत अली, मोहम्मद अली एवं महात्मा गांधी का पूरा सहयोग इस आंदोलन को आगे मिलता है। इसे शुरू करने के निम्नलिखित कारण थे, एक खिलाफत आंदोलन था, चूँकि हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे इस आंदोलन को लड़ने के लिए, कौन से को, खिलाफत को, तो एक स्वर्णिम अवसर था महात्मा गांधी जी के पास, और महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे भारत में। ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, यानी कि जन जन पूरे भारत के लोगों को गांधी जी ने, जहाँ तक संभव हो सका, अलग अलग राज्यों में लोगों को इकट्ठा किया गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ। जलियांवाला बाग हो चुका था, रॉलेट एक्ट उन्होंने लागू कर दिया था, गिरफ्तार किया करते थे लोगों को, इधर खिलाफत आंदोलन हो गया था, है ना। हंटर कमेटी बनाई उन्होंने, तो हंटर कमेटी बनाने के बाद जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। तो विभिन्न कारण थे, और पहला विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी उस समय भारत की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, है ना, लोग खा नहीं पी पा रहे थे, आजीविका नहीं चल पा रही थी लोगों की, ये भी एक कारण था उस समय 1920-22 के समय में। तो इन सभी कारणों को देखते हुए गांधी जी के दिमाग की उपज थी कि एक आंदोलन चलाना है, बहुत बड़ा आंदोलन चलाना है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो ये दो पार्ट में हम पढ़ाएंगे इसको, ये पहला पार्ट है, और अंत तक बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक समझ स्थापित होगी आपके अंदर, आप पढ़ेंगे भी देखेंगे कि उस समय भारत में किस तरीके के हालात थे, कैसे ये आंदोलन चला, है ना। तो देखिए, हेडिंग डाल लेना, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 22, दो वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक, दो वर्ष तक यह आंदोलन भारत में चलता है। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे इसे कंप्यूटर जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं, कुछ CBSE के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो दो साल तक चला, 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, और 1922 तक चलता है, यानी कि दो वर्ष भी लिख लेना इसको, ठीक। अब देखिए, सितंबर का महीना है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन इसका विरोध किसने किया, C.R. दास ने उस समय विरोध कर दिया था, चित्तरंजन दास साहब ने विरोध कर दिया था इस प्रस्ताव का, है ना, पारित नहीं कहेंगे, प्रस्ताव को पारित किया या पेश किया था कह सकते हैं, यहाँ पे पेश किया था, पारित तो नागपुर वाले में हुआ था, पेश किया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना, लेकिन विरोध किसने कर दिया, C.R. दास साहब ने, यानी कि पूरा नाम चित्तरंजन दास ने इसका विरोध कर दिया उस समय। फिर उसी साल में एक दूसरी मीटिंग होती है 1920 में ही है, सितंबर के बाद दिसंबर में, दिसंबर 1920 में एक दूसरा अधिवेशन होता है, और कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन कहाँ पे होता है, नागपुर अधिवेशन बोलते हैं इसे, और नागपुर आप जानते ही हैं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और नागपुर पहले अंग्रेजों की राजधानी भी रही है, अगर आप ब्रिटिश काल में पढ़ोगे तो अंग्रेजों ने राजधानी भी बना के रखी थी, और नागपुर शहर संतरों के लिए फेमस है पूरे भारत में, पूरे भारत में, है ना, ऑरेंज सिटी के रूप में महाराष्ट्र, सॉरी, और नागपुर जाना जाता है, ठीक है। तो नागपुर में ये मीटिंग होती है, इसमें असहयोग आंदोलन पर व्यापक चर्चा होती है कि कैसे चलाना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी इसकी, किस तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना है ना, ये सारे बिंदुवार चीज़ों पर चर्चा होती है इस आंदोलन में, सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल करके जो भी भाग ले रहे थे।
तो सी आर दास साहब ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था इस अधिवेशन में। किसने प्रस्तावित किया नागपुर अधिवेशन में? सी आर दास ने प्रस्तावित किया। ये प्रश्न आप बेटा आ चुके हैं, एक एक प्रश्न छप चुका है, जो एक एक लाइन लिखी है मैंने, ये एक एक प्रश्न बेटा यूपीएससी तक पूछा गया है। आप छोटे मोटे एग्जाम तो छोड़ दो, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो कॉमन पॉइंट उठा के पूछ लेता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कितने वर्ष चला, कब खत्म हो गया। डिटेल्स में आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए पूरा, ठीक है। अगला, ये नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित कर दिया, शुरू करने का निर्णय ले लिया, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पहले ही लिख लीजिए, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और गांधी जी ने ही इससे पहले खिलाफत कांग्रेस कमेटी की भी अध्यक्षता करी थी 1919 में, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जो मुस्लिम नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अपना खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, उसी आंदोलन में। इसमें नागपुर अधिवेशन में क्या कहा गया कि संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति की मांग की जाएगी। भाई संवैधानिक तरीके से हमारे देश को क्या कर दो आप, आज़ाद कर दो, स्वशासन दे दो हमारे देश को, तो संवैधानिक तरीके से, और संविधान के तरीके से बाहर जाकर के भी जन संघर्ष के माध्यम से भी होगा, ये भी कहा गया इसमें। संवैधानिक तरीके से तो बात करेंगे ही अंग्रेजों से, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जन संघर्ष यानी कि अंग्रेजों से आमना सामना हड़तालें भी करेंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, सभाएँ करेंगे बड़ी बड़ी, ये सब चीज़ें भी इसमें रखी गई। कौन से आंदोलन, कौन से अधिवेशन में? नागपुर में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा गया है, लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति की जाएगी, ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा नागपुर अधिवेशन में। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई एक साल के भीतर, एक साल के भीतर भीतर काय की प्राप्ति करेंगे हम? स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे, ये बात निश्चित है, निर्णय करते हैं इस बात का हम। ये महात्मा गांधी जी ने निर्णय ले लिया इसका। और जो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से आंदोलन में कहा गया कि एक साल के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति की जाएगी, स्वराज्य यानी कि आज़ादी, एक वर्ष के भीतर हम देश को आज़ाद करा लेंगे, किसने कहा? गांधी जी ने। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में कहा। कौन से अधिवेशन की बात है ये? नागपुर अधिवेशन 1920। बहुत प्रश्न बन सकते हैं बेटा, है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे एनी बेसेंट, जी एस कारपड़े, बी सी पाल ने कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया साहब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी आंदोलन के समय। कौन से आंदोलन के समय? जो 1920 की बात है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया असहयोग आंदोलन के समय। क्यों दे दिया? ये सबका मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना या एनी बेसेंट का मानना था कि भाई संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन चलाइए, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाइए, जन संघर्ष के माध्यम से मत चलाओ, यानी कि हड़ताल मत करो, जुलूस मत निकालो, ये सब काम मत करिए, आप संवैधानिक तौर तरीके जो भी नागपुर अधिवेशन की बैठक में आपने निर्णय लिए उसी हिसाब से चलाइए। इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई कांग्रेस की इस बात से हम सहमत नहीं है। दे दिया तो दे दो भैया इस्तीफा, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी बहुत नेता थे उस समय दुनिया भर के कांग्रेस के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन को क्या दिया? पूरा समर्थन दिया, ये भी याद रखना है। खिलाफत कमेटी कह लीजिए या खिलाफत आंदोलन कह लीजिए, खिलाफत आंदोलन ने भी कौन से आंदोलन को पूरा सहयोग दिया? असहयोग आंदोलन को पूरा सहयोग दिया था, तन मन धन। और खिलाफत कमेटी के दो बड़े नेता कौन कौन से थे? एक शौकत अली और एक कौन थे? मोहम्मद अली। इन्होंने ये वाला आंदोलन चलाया था खिलाफत, इन दोनों ने पूरा सहयोग दिया, ठीक है। अगला पॉइंट, पूरे देश भर में क्या होता है उसी समय? सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। सत्या राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अपने भारत की शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई पूरे देश भर में उसी समय 1920 में। तो जिसमें सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता कॉलेज के कौन बने? प्रधानाचार्य बन गए थे उस समय। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बन गए, प्रधानाचार्य बन गए थे इसी समय, है ना। इन सब नेताओं ने मिलकर के, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और सी आर दास ने मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि भारत के स्तर पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना करी थी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम है बेटा, मैंने शॉर्ट में लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके बाद है काशी विद्यापीठ, इसके अलावा है गुजरात विद्यापीठ, ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था असहयोग आंदोलन में। इन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया कौन से आंदोलन में? असहयोग। और इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना बेटा, इन तीनों की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? 1920 में तीनों की स्थापना हुई थी,
जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ये भी लिख लेना। और 1920 में स्थापना होने के बाद तीनों ने सहयोग भी किया था, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देश के प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत को छोड़ दिया था उस समय। किसको छोड़ दिया था? वकालत को छोड़ दिया। देश के प्रसिद्ध वकीलों ने, जाने माने वकील थे उस समय के भाई साहब, बहुत प्रसिद्ध वकील थे। इनके नाम आप बहुत सारी बार पढ़ सकोगे, रिपीटेड पढ़ोगे आप इनके नाम, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके असहयोग आंदोलन को क्या दिया था? पूरा समर्थन दिया था, गांधी जी को पूरा समर्थन दिया था। उस समय जब वकालत करते थे अलग अलग कोर्ट में, और कोर्ट किनके थे? अंग्रेजों के न्यायालय थे, अंग्रेजों के कोर्ट्स थे, ठीक है। तो किस किस ने? मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया, सी आर दास ने, राजगोपालचारी, एक एक नेता का नाम लिख लेना, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और टी प्रकाशम, एक और नेता है ना, कौन से? टी प्रकाशम। इन सभी ने भाई साहब वकालत छोड़ दी थी। जो वकील है साहब, जाने माने वकील साहब है जो उस समय के वैरिस्टर थे, वैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से करके आते थे? लंदन से। तो जाने माने वकील साहब थे, इन्होंने अपनी वकालतों से इस्तीफा दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, गांधी जी का सहयोग करने के लिए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब है कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। विदेशी कपड़े हों, विदेशी कपड़ों का तो इतना विरोध किया गया क्योंकि वो वहाँ से लाते थे कपड़े, अपने इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से, जैसे मैनचेस्टर से कपड़ा लाते थे यहाँ पे और यहाँ सेल करते थे, उसको पैसा कमाते थे हमारे लोगों से, भारत के लोगों से। शराब लाते थे वहाँ से, है ना, नमक लाते थे वहाँ से, दूसरे अपने इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से, और जहाँ सेल करते थे पैसा कमाते थे। शराब का, नमक का, कपड़ों का, सब का विरोध किया गया, जुलूस निकाले गए। महिलाओं ने तो पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया इस आंदोलन में, आगे बताऊंगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। महिलाओं ने मुख्य तौर पर कौन से आंदोलन में पहली बार घरों से बाहर निकल के भाग लिया? तो असहयोग आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। शराब की दुकानों को, शटरों को नीचे डार डार करके वहाँ धरने दिए गए महिलाओं के द्वारा, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पर जुलूस निकाले गए, विदेशी कपड़े ले लेकर के दुकानों से सार्वजनिक आग लगाई गई, उनमें होली जलाई गई विदेशी कपड़ों की, ठीक है। इसी चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र लिखते हैं गांधी जी को और कहते हैं कि भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं, विदेशी कपड़ों को जलाने से क्या होता है, ऐसे कोई विरोध नहीं होता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। तो उन्होंने कहा था ये बर्बादी कर रहे हैं, अविवेकी का काम कर रहे हैं, मतलब विवेकपूर्ण काम नहीं कर रहे कपड़ों को जलाना। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में होलियाँ जलाई गई, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला पॉइंट है वो ये, विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से क्या जलाई गई? होली जलाई गई थी, अलग अलग चौराहों पर बहुत कपड़ों को जलाया जाता था, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। इसके अलावा तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया, एक इसी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक के नाम से बनाया गया, तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे उस समय। कितने पैसे? 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे उस समय, 1 करोड़ रुपये, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे भारत में विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे तिलक फंड के नाम से, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और विदेशी कपड़ा लिख लेना। अब देखो इसी आंदोलन जैसे जैसे ये आगे चला, तो उस समय किसान आंदोलन और चल रहे थे कुछ, एक अवध किसान आंदोलन ने इसमें सहयोग किया, अवध 1920 में चला था, अवध मतलब लखनऊ में, एक आंदोलन भी यूपी में ही था, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन थे जी, मोपला विद्रोह तो केरल में आपको पता ही है। ये इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में ऊर्जा भर दी और ऊर्जा का संचार कर दिया, यानी कि ये आंदोलन भी शामिल हो गए असहयोग आंदोलन में, ठीक है। जैसे जैसे असहयोग आंदोलन बढ़ रहा था तो हर वर्ग का समर्थन मिला, किसानों के आंदोलन हो या व्यापारियों की मांगे हो या कोई भी अन्य जो भी भारत में चल रहे थे, सभी ने सहयोग किया। तो गांधी जी का पहला जन सत्याग्रह, माफ कीजिए, पहला जन आंदोलन था जी, सत्याग्रह नहीं कहेंगे, पहला जन आंदोलन था भारत में जी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, किनका था? महात्मा गांधी जी का बेटा, ठीक है। तो अवध के, अवध मतलब लखनऊ आप जानते हैं, जहाँ पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा था बहुत बड़ा, तो भाई साहब इन्होंने भी सहयोग किया, एक आंदोलन ने भी सहयोग किया, मोपला केरल के भीतर चल रहा था। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन में समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल हुआ। अब प्रश्न आता है कि भाई इनमें से कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया असहयोग आंदोलन में। तो समाज का हर वर्ग लगभग इसमें शामिल होता है,
हर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कौन कौन सा था, एक मध्यम वर्ग था इसमें शामिल हुआ, व्यवसायिक वर्ग था एक, ठीक है, किसान वर्ग था, किसानों ने भी शामिल, मैंने बताया ये तो किसानों के ही आंदोलन थे तो किसान तो शामिल हो गए, मध्यम वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, सभी ने शामिल, विद्यार्थियों ने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए थे बड़े पैमाने पर। उस समय पूरे भारत में 800 राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज थे, 800 नेशनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, ठीक है। उन्होंने, विद्यार्थियों ने बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, और महिलाओं ने घरों से बाहर निकल करके पहली बार आंदोलन में भाग लिया, महिलाओं ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लो, ठीक है, ये सभी नोट करते चलो। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया भाई साहब, किसने समर्थन किया, बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, तो वो परिणाम नहीं देख सके। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, गांधी जी का सहयोग किया, लेकिन जैसे ही शुरू होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है भारत में, गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन शुरू होता है जो 1920 से 22 तक 2 सालों तक चला, तो 1920 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि ये उसका रिजल्ट नहीं देख पाए कि रिजल्ट क्या हुआ असहयोग आंदोलन का आगे चल करके, है ना। दो पार्ट में पढ़ाएंगे भाई साहब इसको, बहुत टॉप डिटेल्स में टॉपिक है, बहुत शानदार भी टॉपिक है, इससे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के। दूसरा टॉपिक और पढ़ाएंगे इसका, ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा, पहले तो यही पार्ट है इसका। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जी कौन सा आंदोलन पढ़ सकते हैं हम, इसे पहला जन आंदोलन पढ़ सकते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन ने जनता के मन से, अब ये पूछा जाता है कि भाई इसका क्या फ़ायदा, फ़ायदा तो बहुत सारे हुए, देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था असहयोग आंदोलन का होने का, जनता जो हमारे भारत की जनता थी उसके मन से, उसके दिमाग से, उसके विचार से ब्रिटिश सत्ता का डर दूर हो गया, सबसे पहले तो भय हट गया, जो वो डराते रहते थे ना अंग्रेज, डराते रहते थे, वो डर ही दूर हो गया बिल्कुल, भय हट गया बिल्कुल, आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे हमारे भारत के लोग अंग्रेजों से, पहला काम। दूसरा काम, हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लोग मिलकर के लड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ रहे थे इस आंदोलन को, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अगला पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या लिखा, पत्र लिखा, और पत्र में कहा कि विदेशी वस्त्रों को जलाना क्या है, निष्ठा और बर्बादी, इनको मत जलाइए, ये नुकसान कर रहे हैं आप, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि आप क्या कर रहे हैं, वस्त्रों को जला रहे हैं तो बर्बादी कर रहे हैं भैया, क्यों आग लगा रहे हो, क्यों होली की तरह जला रहे हो अलग अलग चौराहे पर, ये गलत कर रहे हो, अविवेकीपूर्ण काम कर रहे हो, विवेक से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन गांधी जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, गांधी जी ने कहा आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, इसी राह से चलेगा, इसी माध्यम से चलेगा, शराब का, शराबों की दुकानों पर क्या किया गया, प्रदर्शन दिया गया, शराबों की दुकानों को बंद किया गया, इसके अलावा दूसरा विदेशी कपड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर जलाया गया, तो आयात जो था ना इंग्लैंड से जो कपड़ा हमारे यहाँ आता था, मान लीजिए 100% आ रहा है, कितना आ रहा है 100% यहाँ डिमांड है, तो 100 में से 50% 40% तक रह गया था आयात, रह गया था यानी कि इम्पोर्ट जो इंग्लैंड से इधर कपड़ा होता था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी देश को, किसी भी साम्राज्य को, हुकूमत को क्या करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए सबसे पहला काम होता है आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर करना। तो गांधी जी का जो उद्देश्य था, जो दिमाग था, वो आर्थिक रूप से था कि कपड़े से पैसा कमाते हैं, कपड़े का ही विरोध सबसे पहले करना है, विदेशी कपड़ों का, इस वजह से आग लगवाई जाती थी, होली जलाई जाती थी असहयोग आंदोलन में, ठीक है, आप बात समझ पाए। दूसरा पार्ट और लाएंगे इसका बहुत शानदार तरीके से। शिक्षण संस्थानों ने बहिष्कार किया बहुत बड़े पैमाने पर, सबसे आगे बहिष्कार में कौन सा राज्य रहा, बंगाल, बंगाल में सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से बहिष्कार हुआ, और उस समय मैंने बताया भारत में 800 स्कूल कॉलेजेस थे, सभी से लगभग विद्यार्थियों ने छोड़ा, और विद्यार्थी वर्ग भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था गांधी जी के साथ, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, कोई दिक्कत शक समस्या कमेंट करके पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लगातार बेटा पढ़ते रहिए, यही सही समय है, बिल्कुल यही समय है और सही समय है, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाएगी, इस वजह से लगातार पढ़िए, एक एक क्लास को पढ़िए, एक एक टॉपिक को पढ़िए, पूरा समय है सभी के पास, फिर बेटा समय नहीं रहता है तो फिर वहीं रह जाओगे तुम, जैसे अभी नंबर आए थे आपके इतना मेहनत करने के बाद, अब समय भी मिल गया आपको राधा रानी की कृपा से, श्री राम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से समय मिला है, तो बेटा समय का फ़ायदा उठाइए, एक एक क्लास को पढ़िए,
और निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और करंट अफेयर्स की क्लास भी लगातार पढ़ा रहा हूँ। बाकी के टॉपिक पढ़ने के लिए, यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए जिले बाई जिले टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने, प्ले लिस्ट से जाकर के आप पढ़िए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी लीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।